राशिफल का आंकलन ग्रह नक्षत्रों की दृष्टि से किया जाता है। बुधवार यानी 8 नवंबर 2023 का दिन कुछ राशियों का तनाव बढ़ाने वाला है, तो वहीं कुछ राशियों को मानसिक शांति मिलेगी। आइए जानते हैं आपका आज का दिन कैसा होगा। मेष राशि वालों के लिए बात करें तो अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल सकारात्मक सोचने में करेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी। आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका रहन सहन थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आप अपने स्कूल के काम पर ध्यान केंद्रित करें, आपकी दिनचर्या थोड़ी अस्त व्यस्त हो सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो कभी कभी आप वास्तव में आश्वस्त महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपका मन चिंतित भी महसूस कर सकता है। यदि आपके परिवार में समस्याएं चल रही हैं, तो इससे आप परेशान हो सकते हैं। अपना ख्याल रखना और स्वस्थ रहना महत्वपूर्ण है। आपको अधिक पैसा खर्च करना पड़ सकता है। कभी कभी नकारात्मक विचार आपको उदास कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए बात करें तो अकारण क्रोध और वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। किसी मित्र की सहायता से आप अधिक राय उत्पन्न करने का साधन बन सकते हैं। अच्छी शारीरिक स्थिति में रहें, हालांकि मानसिक शांति रहेगी, लेकिन खर्चों की अधिकता से चिंता रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो संयमित रहें और अनावश्यक क्रोध न करें। अधिक मेहनत हो सकती है, मानसिक चुनौतियां हो सकती है। धर्म भक्ति की भावना जागेगी। अतीत से कोई व्यक्ति आपको मिलने आ सकता है। भोजन अधिक ध्यान आकर्षित करेगा। वस्त्र का उपहार संभव है। सिंह राशि वालों के लिए बात करें तो आज आपका दिन बड़ा ही निराला होने वाला है। आपका मन प्रसन्न होगा, सुख निर्माण में प्रगति होगी। आपका परिवार आपके लिए मौजूद रहेगा। धर्म से जुड़े कार्य परिवार के रूप में किए जा सकते हैं। आप धैर्य खो सकते हैं। जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रह सकती हैं। निराशा एवं असंतोष की भावना से तनाव का वातावरण निर्मित हो सकता है। वहीं कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कार्यों में अधिकारी सहयोग करेंगे। आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। आय में वृद्धि होगी, आमदनी बढ़ेगी, लेकिन अति उत्साही होने से बचें। जनता की संगीत और कला में अधिक रुचि हो सकती है। वहीं तुला राशि वालों के लिए बात करें तो क्रोध की अधिकता संभव है। अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। किसी मित्र के सहयोग से व्यवसाय में बदलाव आ सकता है। मेहनत अधिक रहेगी, लेकिन इससे अधिक पैसा आएगा। आप संयमित रहेंगे तो जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें तो मन में आशा और निराशा दोनों रह सकती है। वाणी का स्वर मधुर होगा। किसी मित्र की सहायता से व्यावसायिक अवसर मिलना संभव है। आय में वृद्धि होगी। अपना स्वास्थ्य बनाए रखें। आशा और निराशा दोनों मन में रहेगी। धनु राशि वालों के लिए बात करें तो आज आपका मन शांति और असंतुष्ट होगा। छोटे बच्चों का सुख बढ़ेगा। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। वाहन की कीमत बढ़ सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। लागत बढ़ने वाली है। आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी। प्रकृति स्वयं जिद्दी होगी। मकर राशि वालों के लिए बात करें तो संगीत या कला के प्रति रुझान बढ़ सकता है। आज आपका धार्मिक क्षेत्र के कार्य में व्यस्तता होगी। परिवार के साथ किसी पूजा स्थल पर जा सकते हैं। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक तनाव अवश्य भावी है। भाइयों के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए बात करें तो आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार जगत में परेशानियां आ सकती हैं। इनमें अधिक मेहनत लगेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। लागत बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। काफी प्रयास के बावजूद सफलता की संभावना नहीं है। काम बहुत ज्यादा रहेगा। लाभप्रदता बढ़ेगी। दूर की यात्रा कर सकेंगे। वहीं मीन राशि वालों के लिए बात करें तो पढ़ने में आज आपकी रुचि रहेगी। वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी। अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी पुराने मित्र का आगमन हो सकता है। धैर्यशीलता कम होगी। अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। मन में शांति और प्रसन्नता की अनुभूति होगी। माता का सानिध्य एवं सहयोग मिलेगा। सुविधाएं बढ़ेंगी। कोई भी संपत्ति पैसा कमाने का जरिया बन सकता है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए और अपना राशिफल जानने के लिए सारा समय डिजिटल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका दिन कैसा होगा।